सत्य घटना है परमात्मा कबीर जी की एक अविश्वसनीय महिमा की, जो उन्होंने लोधी वंश के एक दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ की। सिकंदर लोधी दिल्ली के तख्त पर काबिज एक ऐसा बादशाह जो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। ये सत्य घटना उस समय की है जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो जाता है। बादशाह का शरीर जला हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीड़ा इतनी थी कि जैसे शरीर को अग्नि से जला दिया गया। इसके लिए पूरे भारतवर्ष के हिंदू और मुस्लिम धर्म के सभी पंडित, काजी, वैद्य, हकीम भी उपचार कर करके थक चुके थे। परमात्मा के विधान में है, जब मनुष्य के पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो कोई भी दवा काम नहीं करती। कुछ ऐसा ही बादशाह के साथ भी हो रहा था। शानदार, अल्लाह के फजल से यह दवा जरूर हमारे जलन के रोग को ठीक कर देगी इंशाअल्लाह। राजा सिकंदर लोधी ने सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए गए, लेकिन बादशाह पर कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। यहां तक कि सिकंदर लोधी ने उन्हें ठीक करने के बदले मुंह भोला इनाम भी रख दिया था, लेकिन सर्व उपाय निष्फल ही रहे। बादशाह सलामत, अब आपकी तबीयत कैसी है? पीर जी, हमें जरा भी आराम नहीं हुआ। बाहर से नहीं दिखता, लेकिन पीड़ा इतनी अधिक होती है कि जैसे किसी ने हमारे शरीर को जला दिया हो। बादशाह सलामत, हम सभी ने आपको वो हर दवा दी है जो ऐसे रोग में दी जा सकती है। बादशाह सलामत, लगता है ये कोई लाइलाज बीमारी है जिसका ठीक होना ना नामुमकिन है। गुस्ताखी माफ बादशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको ये पता है कि आपको ये लाइलाज रोग अल्लाह की मर्जी से हुआ है, तो इसका इलाज भी हम वैद्य नहीं बल्कि कोई पहुंचा हुआ संत फकीर ही कर सकता है, और हम ऐसे ही एक सिद्ध महापुरुष को जानते हैं। कौन है वो? काशी में कबीर नाम के एक महापुरुष हैं। हमने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर किए हैं। उनमें मुर्दे तक को जीवित करने की शक्ति है। बादशाह सलामत, अगर वो रहम कर दें तो ये रोग एक लम्हे में खत्म हो सकता है। मौलवी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े हकीम और वैद्य जो रोग ठीक नहीं कर सके, वो भला एक कबीर कैसे ठीक कर सकता है? हमें तो लगता है कि अब हमें इस रोग के साथ ही आखिरी दम तक जीना पड़ेगा। अब तो जीने की चाह भी खत्म होती जा रही है। गुस्ताखी माफ करें जहां पना, लेकिन कबीर जी कोई साधारण पीर नहीं है। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे काशी चलने का बंदोबस्त किया जाए। काशी नरेश महाराज वीर देव सिंह बघेल की जय हो। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो? काशी नरेश, बादशाह सिकंदर लोधी इस समय अपने जलन के रोग के कारण बहुत परेशान हैं। उन्हें बताया गया है कि यहाँ कबीर नाम के एक महापुरुष हैं जो बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर सकते हैं, इसीलिए बादशाह जल्दी ही काशी पधारने वाले हैं। ठीक है, संदेश भिजवा दीजिए, हमें बादशाह के आने का इंतजार रहेगा। महामंत्री जी, बादशाह के स्वागत की तैयारी की जाए। जी महाराज। बादशाह सलामत, कृपया
भोजन ग्रहण करें। वीरदेव, मैं तुम्हारी खातिरदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं सकता। मैं अपने जलन के रोग से बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस समय पूरे जहां में हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। मुझे मालूम हुआ है कि यहां काशी में कबीर नाम के कोई संत हैं। आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप हमें कबीर जी से मिलवाओ। सुना है इस पृथ्वी पर केवल वही एक हैं जो मेरे इस रोग को ठीक कर सकते हैं, वरना अब केवल आत्महत्या करना ही बाकी रह गया है। बादशाह सलामत, अब आप बिल्कुल ठीक जगह आ गए हैं। निश्चय ही अब आपका जलन का रोग ठीक हो जाएगा। ऐसी क्या खास बात है उन कबीर में वीरदेव? हे दिल्ली के सम्राट, कबीर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान खुद ही कबीर जी के रूप में आए हैं। यदि कबीर देव जी की दया दृष्टि हो गई तो समझो आपका कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इंशाल्लाह वीरदेव, अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द उस संत को हमारे पास लाया जाए। आपका आदेश सर आंखों पर बादशाह सलामत, लेकिन मेरी अर्ज है आपसे। बेफिक्र होकर कहो। बादशाह, कहते हैं कि संत को कभी आदेश देकर नहीं बुलाना चाहिए, और कबीर प्रभु जी तो संतों के संत हैं। फिर भी यदि हम उन्हें आदेश देकर बुलवा भी लें और उन्होंने आपके रोग को दूर करने की कृपा ही नहीं की, तो फिर उनका आना ना आना एक समान होगा। आप दिल्ली के सम्राट हैं, किंतु बादशाह, मेरे हिसाब से कबीर परमेश्वर जी को बुलाने की बजाय खुद चलकर उनके द्वार पर जाना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए, तभी संत प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें खुद ही कबीर प्रभु के पास चलना चाहिए। बाकी आप जैसा आदेश दें। ठीक है, मुझे अभी कबीर जी के घर ले चलो। मैं अभी के अभी कबीर जी से मिलना चाहूंगा। बादशाह सलामत, कबीर प्रभु जी रोज शाम को अपने गुरु रामानंद जी के पास जाते हैं, जहां वो सभी भक्तों के साथ मिलकर आरती किया करते हैं। अभी हमें श्री रामानंद जी के आश्रम ही चलना होगा। इंशाल्लाह। हे परवरदिगार, लाज रखना, आपके दर्शनार्थ आश्रम की ओर निकल तो पड़े हैं, किंतु वहां तो स्वामी जी ने मुसलमानों का अंदर जाना वर्जित किया हुआ है। दया करना भगवान। हे भक्त, क्या कबीर जी आ चुके हैं? अभी नहीं आए हैं राजन, आने ही वाले हैं। इस समय वो अवश्य आते हैं। कोई बात नहीं वीरदेव, चलो अंदर आश्रम में बैठकर कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। जी बादशाह सलामत। भगत जी, एक बार आप स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। कबीर जी आए तब तक यहां आश्रम में कुछ देर आपके पास बैठना चाहते हैं।
गुरुदेव, गुरुदेव, काशी नरेश वीरदेव सिंह और दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। उनको कबीर जी से मिलना है। उनके आने तक वो आश्रम में बैठकर इंतजार करना चाहते हैं। क्या कहा? सिकंदर लोधी? जी गुरुदेव। उन मांस खाने वाले पापी मुस्लिम मलिच्छों के लिए यह आश्रम में कोई जगह नहीं। कह दो उसे कि बाहर ही इंतजार करे। हे राजन, स्वामी जी ने बादशाह को अंदर आने से मना कर दिया है। मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है। हम मलेच्छ हैं तो कौड़ी का ऋषि अगर हमें ऐसा कह सकता है, दिल्ली के बादशाह को ऐसा कह सकता है, तो आम मुसलमानों को तो न जाने क्या क्या कहता होगा। माफ करें पर आप अंदर नहीं जा सकते। बादशाह शांत हो जाइए, रुक जाइए। यहां से आमानंद, हमें काफी रौर मलेच कहता है। अभी बताते हैं तुझे कि हम कौन हैं। हे कबीर प्रभु, ये क्या किया आपने? अनर्थ हो गया बादशाह सलामत, अनर्थ हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं निहायत ही नीच किस्म का व्यक्ति हूं। वीरदेव आया था अपना रोग ठीक कराने, और जिसके पास आए उसके गुरु को ही मार दिया। या अल्लाह, कितने गुनाह किए हैं मैंने, माफ कर दो मुझे। वीरदेव यहां से वापस चलो। कबीर जी अब कभी मेरे रोग को ठीक नहीं करेंगे। अगर मैं उनके सामने रहा तो वो जरूर मुझे बद्दुआ देंगे। इसलिए यहां से अभी के अभी चलो। जैसा आपको सही लगे बादशाह, चलिए। कबीर प्रभु जी सामने हैं बादशाह सलामत। दो दो राजा एक साथ, काशी नरेश और दिल्ली के बादशाह का इस गरीब के पास कैसे आना हुआ? कहो कैसे आगमन हुआ? मेरी जलन तो ठीक हो गई। हे अल्लाह की साथ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत नीच आत्मा हूं, मैं बहुत पापी हूं। क्या बात है राजन? हे परवरदिगार, जिस उद्देश्य से मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया। मेरे शरीर में जलन का असाध्य रोग था जिसका कोई उपचार नहीं हो रहा था। उस भयंकर पीड़ा को आपने पल भर में दूर कर दिया परवरदिगार। लेकिन मैंने एक जुल्म कर दिया। मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मुझे माफ कर दो। आप इतने दुख से भरे हुए और डरे हुए क्यों हैं? भगवान हमें माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ठीक है, मैंने माफ किया। नहीं परवरदिगार, आप मुझे माफ नहीं करेंगे।
राजन, आप व्यर्थ में व्याकुल ना हो। मैंने आपको माफ कर दिया, बताओ क्या हुआ? मुझसे एक नहायत ही बड़ा अपराध हो गया है। अगर आप उस अपराध को सुनेंगे तो आप मुझसे खफा होकर मुझे बद्दुआ देंगे और मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा जैसा यहां आया था। इसलिए मैं खौफ ज़दा हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ है बादशाह? रामानंद जी ने काफी तीखे अल्फाज बोले और मेरे पर पहले से ही बादशाह होने का नशा हावी था। मुझे गुस्सा आ गया और मुझसे उनकी हत्या करने का अपराध हो गया। मालिक, आप तो खुद ही अल्लाह की जात हो, सबके जहन की बात जानते हो। बादशाह, सच तो यह है कि कोई किसी को नहीं मारता। स्वामी जी की मौत आज होनी थी और आपके हाथों से ही होनी थी, ये पहले से ही निश्चित था। कोई बात नहीं, मन को दुखी मत करो, जो होना निश्चित था हो गया। लेकिन अब ऐसे मत जाना, स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवा कर ही वापस जाना, नहीं तो प्रजा आपको बहुत बुरा भला कहेगी। वीरदेव, आज मुझे अल्लाह मिल गए। ऐसे महापुरुष जिनके आशीर्वाद देते ही मैं स्वस्थ हो गया। और मैंने इतना जुल्म किया, फिर भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा तक नहीं किया। राजा ने ये क्या किया? अनर्थ हो गया। कबीर जी आ गए। हे भगवान, सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। अरे नादानो, कोई किसी को नहीं मारता, अपने गुरुदेव के प्रारब्ध में था इनके हाथों मरना, नहीं तो कहां सिकंदर लोधी बादशाह दिल्ली से चलकर यहां अपने आश्रम में आए। इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहां आने का। भक्तो, अपने गुरुदेव जी का संस्कार इन्हीं के हाथों मरने का था। अरे ये तो फिर से आ गया, अब ये क्या करेगा? गुरुदेव, आरती का समय हो गया, आपके सारे भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठिए गुरुदेव। हे भगवान, हे गुरुदेव, यहां आपके बच्चे खड़े हैं। भगवान, बंदी छोर कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोर कबीर साहेब की जय हो। हे कबीर देव जी, ये मेरे शरीर के आधे हिस्से से खून और आधे हिस्से से दूध कैसे निकला? क्या राज है इसके पीछे? गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हो, आपको तो सब पता है। आप तो बस मुझे महिमा देना चाहते हैं, इसलिए आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, आपने अपने इस दास कबीर को गुरु मंत्र देकर हिंदुओं से तो छुआछूत की बुराई को दूर कर दिया, लेकिन मुसलमानों से आप अभी भी नफरत करते हैं। गुरुदेव, कोई भी जाति, धर्म, मजहब बुरा नहीं होता। लोग बुरे हो सकते हैं, हम उन्हें सही रास्ते पर ले जाने ही आए हैं। हम उनकी बुराई को दूर करेंगे, ना कि उन्हें खुद से दूर करेंगे। आप
अभी तक मुसलमानों से नफरत करते हो, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैंने तो अपना सारा जीवन ही मुक्ति पाने के मार्ग में लगा रखा है, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझ पर दया करो। राजन, मैं तो बहुत ही निकृष्ट इंसान हूं। पहले भी मैं ब्राह्मणों के अलावा किसी को अपने पास नहीं आने देता था, और अभी भी मेरे अंदर ये दोष था कि मैं मुसलमानों से नफरत करता था। लेकिन आज परमात्मा कबीर जी की कृपा से मेरे मन से ये मैल चला गया। दुनिया के लिए मेरे शिष्य बनकर लीला कर रहे हैं, किंतु सच तो यही है कि ये सर्व सृष्टि रचनहार है, और मैं भी इन्हीं की शरण में हूं। राजन, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुझे क्षमा करना। मुझे माफ करें गुरुदेव, मैं एक नीच इंसान हूं। मैंने भी बिना सोचे समझे आप जैसे महापुरुष की हत्या कर दी। वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे परमात्मा कबीर देव जी के रूप में खुद अल्लाह ही मिल गए। मेरा भी न जाने कौन से जन्म का पुण्य फल उदय हुआ कि मुझ नीच को आप कबीर प्रभु मिल गए। मैंने तो अपने आप को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मान लिया था, लेकिन आपकी लीला से मुझे पता चला कि मैं तो कितना निकृष्ट था। आपने ये लीला मुझे सतमार्ग पर लाने के लिए ही की है, मैं तो धन्य हो गया। बंदी छोर कबीर साहेब की जय हो, बंदी छोर कबीर साहेब की जय हो, बंदी छोर कबीर साहेब की जय हो। इस तरह परमात्मा कबीर देव जी ने न केवल सिकंदर लोदी बल्कि गुरु रामानंद जी को सत मार्ग दिखाया और उन्हें मुक्ति की तरफ ले गया। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।